कार्यक्रम में कल पीएम मोदी बिलासपुर आएंगे और इसी दौरान महासंकल्प रैली का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान साव ने कहा कि रैली ऐतिहासिक होने वाली है, साथ ही कांग्रेस पर महिला विरोधी पार्टी होने का आरोप भी लगाया। परिवर्तन यात्रा की समापन कार्यक्रम में कल पीएम मोदी बिलासपुर पहुंचने वाले हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी यहां पहुंचे हुए हैं। उनसे जानते हैं, सर कल पीएम आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां यहां पे चल रही हैं? कल का दिन बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। परिवर्तन महासंकल्प रैली की तैयारियां अंतिम चरण पर है। पूरे देश और प्रदेश के लोगों में इस रैली को लेकर भारी उत्साह है और निश्चित रूप से कल की परिवर्तन महासंकल्प रैली ऐतिहासिक होने वाली है। सर कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि महिला जो आरक्षण बिल है उसको लेकर के बीजेपी जो है भ्रम फैला रही है, अभी कम से कम 2034 तक ऐसा कुछ यहाँ होने वाला नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को याद होना चाहिए कि 2010 में राज्यसभा में इन्होंने पास किया था और खुद भी वे लगातार इस विषय को लेकर अभी विशेष सत्र से पहले इन्होंने मांग किया था। तो मांग क्यों किया था आपने, और आप जो नहीं कर पाए, 2010 में आपने राज्यसभा में बिल पास किया, फिर 2014 तक आपकी सरकार थी, आपने लोकसभा में वो बिल ही प्रस्तुत नहीं किया। आपकी नीयत खराब थी महिला आरक्षण को लेकर। आप नारी सशक्तिकरण के विरोधी हैं, माताओं बहनों के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। जी देखिए, ये थे हमारे साथ अरुण साव जी, कैमरा पर्सन प्रकाश राव के साथ मुश्ताक कुरैशी, बंसल न्यूज़ बिलासपुर। रायपुर में